गुड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती शर्मा और अभी आपने तस्वीरें देखी और तस्वीरें जो है वो है अग्निशमन, आप देख सकते हैं केंद्र, अग्निशमन केंद्र माल रोड शिमला की तस्वीरें आपको मैं जो है आज गुड मीडिया के माध्यम से दिखा रही हूं। और ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि आज मैं जो खास कार्यक्रम लेकर आई हूं वो कार्यक्रम लेकर आई हूं सीधी बात, और सीधी बात मैं आज करूंगी हमारे सब फायर ऑफिसर बालकृष्ण ठाकुर जी से, जो कि फायर स्टेशन माल रोड के यहाँ के जो है वो सब फायर ऑफिसर हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि अगर अभी हम देखें तो आने वाले समय में जो है वो सर्दियां आ जाएंगी और ऐसे में शिमला शहर की अगर हम बात करें तो फायर विभाग यानी कि अगर अग्निशमन केंद्र कितना सतर्क है इन सब चीज़ों को लेकर कि कहीं आगजनी हो जाती है तो किस तरीके से कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों की आज हम रूपरेखा जानेंगे और बातचीत करेंगे यहाँ के जो सब फायर ऑफिसर हैं बालकृष्ण ठाकुर जी से। तो आइए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका कि आपने सिटी चैनल को समय दिया और जिसे कह सकते हैं बहुमूल्य कीमती समय आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। सर सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूँ, मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं सर आपका थोड़ा सा परिचय जरूर जानना चाहेंगे। मेरा नाम बालकृष्ण ठाकुर, सब फायर ऑफिसर फायर स्टेशन मॉल जी। तो सर अब जैसे हम बात करते हैं अग्निशमन विभाग की या अग्निशमन केंद्र की, एक बहुत उम्दा जिम्मेदारी जो है वो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, आपके विभाग के ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें जब भी आगजनी हो जाए तुरंत आपको जाना पड़ता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर आपको ऐसे जाना पड़ता है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला शहर आगजनी को लेकर कितना सतर्क है सर? वैसे तो मैं जहाँ तक फायर सर्विसेज की बात है, फायर सर्विसेज का डिपार्टमेंट हमेशा किसी भी इसमें जोखिम के लिए तैयार रहता है। कोई भी केसेस, चाहे फायर केस हो, चाहे कोई भी एक्सीडेंट हो, किसी भी केस में जाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और तैयारी हालत में रहता है जी। सर शिमला शहर वैसे बहुत बड़ा है तो यहाँ पर जो है वो अग्निशमन विभाग के कितने जो है वो ऑफिसेज यहाँ पर हैं, जिसको हम कह सकते हैं जहाँ तक सिटी एरियाज की बात है शिमला की, यहाँ पर तीन फायर स्टेशन हैं, एक माल रोड में है, एक छोटा शिमला में है और एक जो है वालूगंज में है जी। बालकृष्ण जी हमें जो है वो विदित भी है, थोड़ी सी जानकारी भी है कि यहाँ पर जो है वो ऑल ओवर अगर हम हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, तो यहाँ का कंट्रोल रूम भी जो है वो यहीं पर स्थित है, माल रोड पर स्थित है। क्या हम क्या वहाँ पर जा सकते हैं, कुछ तस्वीरें हम वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किए जाते हैं वहाँ पे? जहाँ तक कंट्रोल रूम की बात है, हिमाचल का जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेंटर है वो माल रोड में ही है और कंट्रोल रूम यहीं पर स्थित है जी। और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे। तो बिल्कुल हम जो है सिटी चैनल के माध्यम से आज वहाँ जाएंगे और वो तस्वीरें जो है मैं आज आपको अपने सभी दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगी। तो आइए सर चलते हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें जो है आपने कंट्रोल रूम की देखी है और यहाँ पर जो है जैसे कि अभी हमें जो है बालकृष्ण जी ने बताया है कि यहाँ पर कॉल आती हैं और यहीं से जो है वो कॉल आगे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं या हम कह सकते हैं क्षेत्र हैं यहीं से जो है एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल सर यही बात है, यहीं से जो है ऑर्डर दिया जाता है, एक्शन दिया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट के लिए सपोज करो अगर शिमला में होता है, जैसे सिटी एरिया जब आता है तो 101 टोल फ्री इसी नंबर पर है, तो यहाँ पर कॉल आते हैं कि टोल फ्री नंबर 101 है। लेकिन जहाँ पर अदर डिस्ट्रिक्ट की बात है वहाँ से रिपोर्ट आते हैं जी, वो इन्फॉर्मेशन गैदर उस तरह से, क्योंकि आज यहाँ पर इतने केसेस हुए और इतना नुकसान हुआ, इस तरह का गैदरिंग होती है यहाँ पर जी। इसकी तो बिल्कुल ये आपने जो है वो जानकारी हासिल की है कि किस तरीके से जो है वो कंट्रोल रूम में काम किया जाता है। सर 101 नंबर ही है जो हम कह सकते हैं टोल फ्री नंबर, 101 ही है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है, जगह होता है टोल फ्री नंबर, ऑल इंडिया में होते हैं जी। तो चलिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें जो है वो आपके साथ करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम फायर ऑफिस की बात करते हैं, अग्निशमन विभाग की बात करते हैं, तो हाइड्रेंट की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ऐसे में कितने हाइड्रेंट जो है वो शिमला में अभी मौजूद हैं और क्या वो सभी हाइड्रेंट काम कर रहे हैं? जहाँ तक फायर स्टेशन माल रोड की बात है, माल रोड फायर स्टेशन के अंडर 240 फायर हाइड्रेंट्स हैं, जो जिनमें से जो हैं 170 जो हैं वो ठीक हैं और बाकी 70 जो हैं वो खराब चल रहे हैं।
सर, जब हाइड्रेंट की बात हो रही है तो क्या जो हाइड्रेंट हमारे पास यहाँ पर है तो उससे क्या पानी की जो सप्लाई है, जो आप तक पानी पहुँचता है, तो क्या वो पानी की सप्लाई उचित है? कहीं आपको कभी पानी की कमी तो नहीं आई है? जहाँ तक पानी की कमी तो ऐसे तो नहीं आती, पर कई जगह ऐसा हो जाता है कि सपोज करो रात को कहीं अगर आग लगी है तो प्रेशर तो तभी होता है जब हम बोलते हैं कि फलानी जगह आग लगी है, तो फिर वो उस लाइन को खोलते हैं तो प्रेशर के आने में देरी लगती है। जी, तो प्रेशर के आने पर जो है वो आपको देरी पड़ती है। हाँ, ऐसे पानी उतने, की कमी उतने तक नहीं, उतने तक हमारे पास जो अपनी जो गाड़ियां हैं इनमें भी पानी। तो सर, जब हम गाड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूंगी सर, वो गाड़ियां हम जो है वो गाड़ी जिस गाड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं वो गाड़ियां हम जरूर देखें और जाने कि उसमें कितना लीटर जो है वो पानी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये जो गाड़ी है ये वाटर टेंडर है बी टाइप, तो इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो 4500 लीटर है। जी। ये हर कहीं जा सकता है, पर रोड इसके लिए खुला चाहिए। बिल्कुल, यहाँ हाँ। पर जो मैं एक बार अपने कैमरामैन को जरूर कहना चाहूंगी कि ये तस्वीरें जो है वो दिखाएं, कि ये आप देख सकते हैं तस्वीरें और कितनी बड़ी ये गाड़ी है। लेकिन ये गाड़ी जो है ये उसी रोड पर जा सकती है जहाँ पर रोड जो है वो चौड़ा है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं अगर हम अपने शिमला की बात करें तो इतने बड़े रोड या हम कह सकते हैं खुली सड़क जहाँ पर नहीं होगी, तंग गलियाँ होंगी, तंग सड़कें होंगी, तो ऐसे में जब आपको कहीं से कॉल आती है कि आग लग गई है तो उस दौरान किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं जा पाएगी? जैसे ऐसे कोई एरियाज हैं कि तंग है तो उसके लिए हमारे पास ये छोटा वाहन है जिसे QRV कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल, ऐसे एरियाज में जाने के लिए हैं। और फिर भी अगर उससे भी तंग गली हैं तो उसमें हमारे पास जो है मोटरसाइकिल हैं, उसके द्वारा भी हम उस आपको बुझा सकते हैं। यानी आपको बुझाना, प्राथमिक अवस्था में आप बुझाने के लिए मोटरसाइकिल हैं और QRV हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए जो है वो आने वाले समय में अग्निशमन विभाग जो है वो शिमला कितना सतर्क है कि कहीं आग जनी हो जाती है तो क्या जो है उनकी तैयारियां हैं, और इसकी तमाम जानकारी जो है वो हमें बालकृष्ण जी ने जो है वो दी है। उसके साथ ही जो है अब हम लोग बात करेंगे डिविजनल फायर ऑफिसर यानी कि DC शर्मा जी से, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करूंगी और धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी। सर, बाकी बातें जो हैं वो हमने जो यहाँ के सब फायर ऑफिसर थे उनसे हमने बात करी, बालकृष्ण जी से बहुत सी जानकारियाँ हमने हासिल की हैं उनसे, लेकिन सर मैं आपसे जो है वो बिल्कुल जानना चाहूंगी कि सर कितना सतर्क है वैसे शिमला, अगर हम बात करें तो कितना सतर्क है, क्योंकि आने वाले समय में सर्दियां आ जाएंगी और सर्दियों के समय में क्या हमारे पास सर जो गाड़ियां हैं या फिर हमारे पास बाइक है या फिर छोटी गाड़ियां हैं तो सर क्या वो पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में जो है वो हमारे पास यहाँ पर है सर? और हम जानना चाहेंगे कितनी संख्या जो है वो यहाँ पर गाड़ियों की, बाइक की और छोटी गाड़ियों की है सर? जी हाँ, जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि किस प्रकार हमारा स्टाफ और हम मशीनरी और इक्विपमेंट से कैसे हम एकदम इक्विप्ड हैं, जहां तक शिमला का सवाल है, शिमला में हमारी 3 फायर स्टेशन हैं। सर्वप्रथम जैसे मालोड है, ये हमारा पूरे हिमाचल का कंट्रोल रूम भी है जी। सारी सूचनाएं चाहे आगजनी की हो या सड़क दुर्घटनाएँ हों या कोई लैंडस्लाइड का हो या किसी प्रकार की कोई भी अन्य कोई भी आपदा हो, उससे संबंधित जो जहां हमारे अग्निशमन कर्मचारी उस बचाव के लिए गए हों वो सारी सूचना यहां कलेक्ट की जाती हैं। उसके उपरांत जो है हम डायरेक्टर फायर सर्विस को वो सूचना प्रेषित करते हैं जी। शिमला मालोड का बिल्कुल मालोड में जो हमारा फायर स्टेशन है और ये सबसे अहम और एक महत्वपूर्ण जगह पे है, और दूसरा फायर स्टेशन हमारा बालूगंज है, जो हमारा छोटा जो बालूगंज है ये यहाँ हमारी जो जितना मालूर की नफरी है हमारी स्ट्रेंथ है उससे कम है, पर वो पूरा एरिया कवर करता है समर हिल, टूटू, घोड़ा चौकी और इस निचला जितना भी है घनाटी, शोगी, ये सारा एरिया जो है ये कवर करता है। तीसरा स्टेशन जो हमारा छोटा शिमला में है, ये सारा एरिया न्यू शिमला, विकास नगर, पंथा घाटी, महली, ढली, संजोली, बट्टा कुपर और ये इत्यादि ये सारे जो है एरिया ये कवर करते हैं। जहाँ तक हमारे स्टाफ और व्हीकल का सवाल है, हमारा जो फायर सर्विस है ये 24/7 24 घंटे ड्यूटी पर अलर्ट रहते हैं। जहाँ कहीं से भी जिस वक्त भी, चाहे वो मध्य रात्रि हो, चाहे सवेरे के समय हो,
चाहे दिन के समय कभी भी कोई भी सूचना मिलती हो किसी प्रकार की आगजनी की या सड़क दुर्घटना की, जहां हमारे किसी बचाव की भी जरूरत हो वहां भी हम जाते हैं। और जहां तक व्हीकल का सवाल है, व्हीकल हमारे पास जो तीनों स्टेशनों में पर्याप्त मात्रा में है, बड़े व्हीकल भी हैं, छोटे भी हैं और मोटरसाइकिल भी हैं, जो जिसमें जो है अग्निशमन यंत्र माउंटेड हैं और उनके साथ भी हम इक्विप्ड हैं। बड़े व्हीकल हमारे पास माल रोड पे हमारे पास फिलहाल अभी जो है 3 वाटर टेंडर और एक छोटा हमारा QRV क्विक रिस्पांस व्हीकल भी है और मोटर बाइक भी है। जैसे छोटा शिमला फायर स्टेशन में इस यहाँ भी हमारे 3 वाटर टेंडर हैं, वहाँ QRV है और एक मोटरसाइकिल भी है। बालूगंज जो हमारा फायर स्टेशन है, तीसरा फायर स्टेशन, वहाँ हमारी 2 व्हीकल हैं, वाटर टेंडर और एक तीसरा जो छोटी है वो QRV है। और आगजनी को जिस प्रकार की कोई भी आगजनी हो, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम उसको नेचर ऑफ उसकी इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम और फायर को देखते हुए, जहाँ अगर एक स्टेशन उसको काबू कर सकता है तो वहाँ हम जो है ये कंट्रोल को लगातार जो है संपर्क में रहते हैं। जहाँ ज़्यादा मैन पावर या व्हीकल की जरूरत पड़ती हो, वहाँ हमारा कंट्रोल रूम ये माल रोड जो है ये तुरंत सभी स्टेशनों से हमारा व्हीकल और स्टाफ उस मौके पर तुरंत जो है पहुंच जाता है, ताकि वो आगजनी या कोई भी अग्नि दुर्घटना हो, एक बहुत बड़ी एक डिवास्टेटिंग फायर या एक बहुत बड़ी भयंकर अग्नि दुर्घटना बन जाए, इसे पहले पहले हम उसको उसको बुझाने की, उसको नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। जी सर, ये तो बात करी आपने कि हमारे पास कितना सामान, और हमने बात जो है वो जानी भी है कि यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन अगर हम स्टाफ की बात करें सर, तो क्या स्टाफ जो है उसकी कमी तो यहाँ पर नहीं है? स्टाफ क्या सर हमारे पास यहाँ पर पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है? हाँ, स्टाफ हमारे पास पूरा है। जो हमारे पास वेकेंट पोस्ट भी हैं जी, उस वो हमें जो है होम गार्ड्स वॉलंटियर्स जो फायर कोर्स ट्रेंड होते हैं, जिन्होंने एलिमेंट्री फाइटिंग कोर्स किया हुआ हो, उनसे हम उसको मीट आउट कर लेते हैं। बाकी हमारे पास वैकेंसीज बहुत कम रहती हैं और स्टाफ हमारे पास अभी वर्तमान जो है पूरा है। सर, इतना जिसे कह सकते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान को बचाना, इस तरीके का जो है वो एक काम जो है वो अग्निशमन विभाग करता है, बावजूद इसके बहुत से आरोप जो है वो अग्निशमन विभाग पर लगते हैं कि ये जो है वो सारा दिन कुर्सियों में बैठे रहते हैं, या फिर ये समय से जो है वो किसी जब आगजनी की कोई घटना हो जाती है वहां पर नहीं पहुंचते, तो सर इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये लोगों का एक मिथ्या, जिसको बोलते हैं गलत सोच है जी। फायर सर्विस, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि 24 घंटे बिल्कुल तत्पर रहते हैं और किसी भी आगजनी की दुर्घटना को काबू करने के लिए हमारे जवान सक्षम हैं, और अगर देरी रहती हो किसी टाइम की, किसी की फोन करने के लिए हमारे पास या तो किसी को नॉलेज नहीं है कि अगर आग लग जाए तो हमें कहाँ कॉल करना है, किसको बुलाना है। नंबर दो, जहाँ ये देरी हो जाती है किसी भी कॉल को करने के लिए, सपोज कोई केमिकल का या कोई LPG का या कोई पेट्रोल वाला फायर है जो बहुत तेजी से फैलता है, अगर उन्होंने कॉल करने में, जैसे आग लगी उसके कॉल करने में वो अपने आप ही पहले कोशिश कर लेते हैं, जब उनके वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है तब वो कोशिश करते हैं नहीं फायर ब्रिगेड को बुलाओ, उतने तक जो है काफ़ी देरी हो चुकी है। तो हो सकता है हमारे फायर स्टेशन से वहाँ तक की कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, हमारा रिस्पांस टाइम है, अगर तुरंत हमारे को जैसे कोई आगजनी हुई वो अपने आप भी प्रयास करें, जो वहाँ के लोग हैं हमारे को भी कॉल करें, हम तुरंत मौके पे, हमारा जो रिस्पांस टाइम है स्टेशन से कॉल रिसीव करने के बाद 30 सेकेंड या विद इन 1 मिनट जो हम वहाँ से बिल्कुल वहाँ से जो है निकल जाते हैं उस दुर्घटना स्थल की ओर। जी DC शर्मा जी, बिल्कुल आपने जो है वो एक तरह से, मैं यहाँ पर बिल्कुल इस बात को दोहराना चाहूंगी कि जब भी आग लगे, आपको लगे कि बहुत आग लग गई है, ऐसे में अपने जो है वो आप फायर ब्रिगेड का नंबर है जो कि 101 जो है वो नंबर है, इस पर आप फोन करें, तुरंत जो है वो अग्निशमन विभाग आप तक पहुंचेगा, तो अपनी ओर से जो है वो तैयारियां करने में ना जुट जाए। और सही दूसरी बात ये है कि प्रॉपर जानकारी, सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर जानकारी दर्शकों आप लोगों को स्वयं देनी होगी, अगर कहीं आग लगती है तो प्रॉपर जानकारी कि कितना दूर है, कैसे आना है, कौन सी गाड़ी पहुंच सकती है, क्या वो जो रोड है वहां तक जो है जी बिल्कुल वहां तक जो है वो बड़ी गाड़ियां पहुंच सकती है, बाइक पहुंच सकती है, इस तरीके की तमाम जानकारियां जो है वो आपको अग्निशमन विभाग को देनी होगी, तभी जो है वो अग्निशमन विभाग आपकी जो जानकारी के मुताबिक आएगा और जल्द से जल्द जो है वो काम करेगा। सर, इतना कुछ होने के बाद जो है, मान लीजिए कहीं बहुत जो है वो आग लग जाती है, और कभी क्या सर ऐसा हुआ है कि
भयंकर आग लग गई है सर, और ऐसे में जो हमारे फायर में जो कार्यरत लोग हैं, अग्निशमन विभाग में कार्यरत लोग हैं, चाहे वो लाइनमैन है या कोई और अधिकारी है, तो सर कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना घटी है कि आग को जो है वो बुझाते बुझाते, आग पर जो है वो काबू पाने के चलते जो है किसी ने अपनी जान गंवा दी हो, कभी सर कोई ऐसा मामला सामने आया है? हाँ, ये आपने बहुत एक अच्छा एक प्रश्न पूछा है। जहाँ तक फायर सर्विस का आपने ये पहले ही जिक्र किया था कि आपको किस जोखिम से किस रिस्क लेके हाँ आपको बिल्डिंग के, देखिए जब किसी के घरों में आग लगती है या आग जो बहुत ज़्यादा तेजी से फैलती है तो लोग क्या समझते हैं कि भी सबसे पहले चलो मकान तो जल जाएगा, कम से कम किसी की जान ना जाए, किसकी हेड ऑफ द फैमिली की जान ना जाए, या और भी कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो सकता है कोई फिजिकली हैंडीकैप कोई अंदर रह गया हो या उसको निकालना हो, तो ये सबसे पहला ध्यान रखना होता है। अगर कोई ऐसी हमें कई बार, मैं मेरा काफ़ी लंबा तजर्बा है इधर खासकर शिमला का आग बुझाने का, और बींग ए DFO मैं एक बेस्ट फायर फाइटर रहा हूँ यहाँ का, मुझे बहुत मौके मिले और हमने ऐसे रिस्क में भी आगे बुझाई हैं जहाँ कोई जाने की कल्पना नहीं कर सकता। होता क्या है, जब आग लगती है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और बीइंग ए प्रोफेशनल फायर सर्विस के लोगों को उस घर के अंदर एंट्री लेनी पड़ती है। ये एक ऑफिसर, एक कुशल नेतृत्व अधिकारी के उसमें देखरेख में कहाँ से हमें एंट्री करनी है, कहाँ से हमें ये रिस्क लग रहा है कि ये कोई गिरने वाला है या जलने वाला है या आग जल्दी फैलेगी, उस एरिए को हमें बचाव, उस एरिया में जो है अपना बचाव रखते हुए दूसरे एरिया से जो है पानी की बौछार या कोई अटैक करना पड़ता है ताकि वो उस आग को काबू कर सकें। ऐसी वारदात कई जगह हमें ये मिली है, जैसे अभी लखनऊ बाजार में ये जो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, और लास्ट ईयर की बात है, ये हमारा समर फेस्टिवल का आखिरी दिन था चला हुआ, और ठीक 12:30 बजे वो आग लगी। जो आग लगी सूचना मिली और हम वहाँ मौके पे पहुँचे, आग इतनी भयंकर थी क्योंकि वो पुरानी कोई 100 साल पुरानी लकड़ी की इमारत थी, उसमें आग पकड़ी और आग नीचे से लेकर छत तक पहुँच गई थी। जैसे बुझाते बुझाते आग वो बिल्डिंग ने टिल्ट किया और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है हमारे जवानों पर आ गई थी, पर वो भगवान का शुक्र है कि वो लोग मुस्तैदी से और बड़े दिल जान से काम कर रहे थे, उनको जैसे मैं भी मौके पे था, उनको तुरंत जैसे हमें लग गया था संकेत कि ये गिरने वाली है बिल्डिंग, उनको बोल दिया आप सामने से हट जाओ, साइड से उसमें फायर फाइटिंग करो। एक ऐसी वारदात हमारे जो है 90 के दशक में ये बद्दी में हुई थी, जिसमें हमारे एक लीडिंग फायरमैन और एक जो होमगार्ड का जवान जो ड्यूटी पर तैनात था, वो ड्यूरिंग फायर फाइटिंग जो है अपने उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। हुआ क्या कि जैसे अंदर फैक्ट्री और सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ केमिकल्स और दूसरे टॉक्सिक कई प्रकार की पॉइजनस गैसेस भी यूज होती हैं, और वो केमिकल्स था, वो इतने तेजी से आग लगी और वहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और उस वॉल के नीचे वो हमारे फायर फाइटिंग करते करते जवानों जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी। किसके लिए? लोगों की जान और माल के बचाने के लिए। ऐसे चांसेस आते हैं काफी समय हुए हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं आप। और मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी दर्शकों की, बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए एक फायरमैन लड़ता है, आगे बढ़ता है, और जब उसकी जान जो है वो चली जाती, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ अनहोनी घट जाती है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, अनहोनी घट जाती है, तो क्या सरकार की ओर से कोई उसको जिसे कह सकते हैं रिस्क अलाउंसेस, या फिर परिवार को कोई, क्योंकि देखिए सर ये जो है ये सरकारी नौकरी है, तो ऐसे में कोई ना कोई प्रावधान उसके परिवार जनों को कोई ऐसा प्रावधान किया गया है सर कि अगर कभी कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है तो उसका परिवार आने वाले समय में भूखा ना मर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि किसी ना किसी परिवार में एक ही लड़का होगा या और वो लड़का जो है जॉब कर रहा होगा फायर अग्निशमन विभाग में, और ऐसे में कहीं दुर्घटना कुछ ऐसी हो जाती है जिसमें लड़की की जान चली जाती है, तो ऐसे में उसका परिवार क्या कुछ करेगा? तो सर कुछ ऐसा प्रावधान है, सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान दिया कि कोई मुआवजा उसे मिलेगा, कोई रिस्क अलाउंस मिलेगा, या फिर उसके परिवार को कोई सरकारी नौकरी जो है वो मिलेगी? हाँ, ऐसे केसेस में जहाँ कोई ऐसी कैजुअल्टी हो जाती है किसी भी सरकारी कर्मचारी की या फायरमैन की, फायर फाइटर की, तो उसमें गवर्नमेंट में प्रोविजन रखा हुआ है, जैसे उसको जितने भी प्रावधान हैं उसको जो एक्सग्रेशिया है, दूसरे कई प्रकार के और भी उसको जो है
जो एक उस परिवार को कोप अप करने के लिए, उसको जो है संभालने के लिए जितने भी ये बजट होता है वो मैक्सिमम जो है देते हैं। और गवर्नमेंट कई बार क्या करते हैं कि ये स्पेशल जो है अनाउंस भी करते हैं कि भाई इस परिवार को हम इतना एडिशनल, जो उसको एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसकी मृत्यु पर जो जितना कुछ भी मिलता है उसके एडिशनल भी सरकार देती है, इसमें कोई शक नहीं है, देते हैं कई बार। और हिमाचल सरकार वैसे भी हिमाचल फायर सर्विस के लिए एक बींग ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ डिजास्टर ड्यूरिंग डिजास्टर जो है, एक हिमाचल फायर सर्विस सबसे पहला ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे पहले कहीं भी पहुंचता है, चाहे हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट हो, आगजनी हो, लैंडस्लाइड हो या किसी प्रकार की कोई आपदा हो, क्योंकि ये सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो 24 घंटे आपको ड्यूटी पर मिलेगी और वहीं से जैसे आपने कॉल किया उसी वक्त तुरंत विद इन मिनट जो है आपको वहां से ये उस स्थान के लिए जहां लोगों को आशा है कि फायर ब्रिगेड आएगी और हमारे मकान को जलने से बचाएगी, या कोई एक्सीडेंट भी हुआ कि फायर ब्रिगेड आएंगे वो बचाएंगे, हमारे पास रेस्क्यू के काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट भी हैं और ट्रेंड भी काफ़ी हैं हमारे फायर फाइटर्स। और हमने जैसे सेव की सीजन में बहुत सारे अभी कोई यहाँ 8-10 एक्सीडेंट हुए, रोड एक्सीडेंट, हमारे जवानों ने 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे जाकर के कईयों की जाने भी बचाई, जो कहीं अगर कैजुअल्टी हो भी की हो, कोई गाड़ी के नीचे दब गया हो उसको भी निकालने की कोशिश की, इस टाइप की इस प्रकार के हम रेस्क्यू या बचाव का कार्य भी करते हैं। जी सर, अभी आपने बोला कि जो सरकार है वो इस ओर ध्यान दे रही है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो सरकार की ओर से कोई ना कोई प्रावधान जरूर है सर, बावजूद इसके देखिए आपने कहा 24 घंटे जो है वो एक लाइनमैन, एक फायर विभाग में कार्यरत अधिकारी जो है वो 24 घंटे एक तरह से अपनी ड्यूटी दे रहा है ईमानदारी से, बावजूद इसके कहीं ना कहीं पे स्केल अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कम है सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सरकार के सरकार खुद जानती है, उनको जैसे हमारी सेक्रेटरी है या मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हैं, उन्हें पता है कि भी मुझे किस डिपार्टमेंट में किस ढंग से जो है उनके स्केल्स हैं या वेतन हैं, ये सबको देखते हुए ये तो सरकार ही फाइनल करती है। जहां तक फायर फाइटर्स का सवाल है, मेरा ये मानना है कि जहां जिस जोखिम से जिस रिस्क से काम करते हैं उनके लिए एक स्पेशल कोई रिस्क अलाउंस या डेंजर अलाउंस ऐसा कोई स्पेशल अगर गवर्नमेंट कर दे तो इससे क्या होगा कि हमारे जवानों में जो उनका एक मोरल है बहुत ऊंचा होगा और किसी भी लोगों की जान और माल बचाने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे वहां जल्दी से जल्दी पहुंचने के और जल्दी जो है उसको काबू करने के, ताकि कोई लाखों या करोड़ों का होने वाला नुकसान जो वो हजारों तक ही पहुंचाए, ये एक उनको एक मोटिवेशनल मनी मिलेगा कि मैंने ये रिस्क लेते हैं इनके लिए ये हो जाए, तो वो ये जो है सरकार तक सरकार के प्रव्यू में उनके पास है, ये उन तक निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात जो है सर आपने कही है कि कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे की जान बचा रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं रिस्क अलाउंसेस जो है, जो कि हम कह सकते हैं डेंजर अलाउंसेस, कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को इस बात में मंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को ये चीज जो है वो जो डिजर्व करता है उसे ये जो अलाउंसेस है वो देने चाहिए। सर बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर ही रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये जो लोग जब यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो लाइनमैन है चाहे वो कोई अधिकारी, तो सर इसकी कोई मॉक ड्रिल या फिर कोई हम कह सकते हैं कि कोई इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है जब कोई आगजनी होती है? हाँ, ये हमारा वैसे तो हमारे वेल ट्रेन्ड होते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर जो है एक स्टेट का जो हमारा बलद्याम है, सेंट्रल फायर ट्रेनिंग सेंटर बलद्याम, इसके उपरांत भी हम जो है डेली की हमारी दैनिक जब भी हमारी ड्यूटी शिफ्ट चेंज होती है, रोजाना हमारे 8 बजे से 9 बजे तक हमारी मेंटेनेंस भी होती है और उसी दौरान हमारे जवान जो है हर एक्सरसाइज हर प्रैक्टिस करते रहते हैं, हर जैसे लैडर लगाना, उसको पिच करना और तीसरी चौथी मंजिल के लिए उसमें ऊपर जाना और कोई कैजुअलिटी निकालना या दूसरे भी इक्विपमेंट जितने भी उनको ऑपरेट भी करते हैं और उसका प्रयास अभ्यास भी करते हैं, ये प्रतिदिन की हमारी सभी स्टेशनों की ये एक दैनिक दिनचर्या है हमारी। जी सर, कभी ऐसा मतलब जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं लाइनमैन की बात कर रही हूँ, कि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ यहाँ पर जो है वो काम
करते हैं लोग, तो ऐसे में सर लगता कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता है और उठता होगा, शायद वो लोग जो है वो सामने नहीं कहते होंगे, सामने नहीं बोलते होंगे कि कभी आग लग जाए और उन किसी लाइन मैन को जो है वो आग बुझाने के लिए भेजा जाता है, वो वहां जाता है, उसे वो वहां पे देख रहा है कि जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, मैं स्थिति को नहीं संभाल सकता, मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ या मेरे परिवार का क्या होगा, तो कुछ ना कुछ भावनाएं उसके अंदर ऐसी आती होगी, तो कहीं आपको लगता नहीं है कि इन्हें जो है वो पक्का करने की आवश्यकता है ताकि उनके मन में ऐसी भावना ना आए कि मेरा परिवार क्या करेगा या मैं ऐसे क्या मैं क्या करूंगा अगर मेरे को मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अंदर नहीं जाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा ये सोच के कि शायद मेरा मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले किसी भी कर्मचारी की ऐसी अग्नि दुर्घटना में कोई या वो किसी कैजुअल्टी हो गई या और हो गया या रिस्क लेते लेते उसकी जान ही चले गई, उसमें थोड़ा ये मुश्किल है कि वहाँ जो है उसको अलाउंसेस कोई नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जी। तो ये गवर्नमेंट तक गवर्नमेंट के सोचने की बात है कि जहाँ रिस्क वाली नौकरी हो, डेंजर वाली नौकरी हो, जहाँ उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है दूसरों की जान को बचाना है, वहाँ अगर छोटा मोटा उसको कोई चोट ही पहुँच गई, फ्रैक्चर ही हो गया, दूसरा हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है तब तक उसको अनाउंसिस कोई भी नहीं है। तो ये तो सर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्ट वाली, सभी डिपार्टमेंट में है, ये फायर में ही नहीं है, अदर डिपार्टमेंट में नहीं। हाँ, सरकार सोचे कि भी नहीं इनका रिस्क है तो यहाँ कर भी सकते हैं रेगुलर, पर ये जो है गवर्नमेंट के ही पक्ष में है बिल्कुल। यहाँ पर जो कि मैं कह रही थी कि देखिए अपने लिए तो सभी जीते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन जिंदगी जब दूसरों के लिए जी जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ऐसी ही जिंदगी जो है वो फायर में यानी कि अग्निशमन विभाग में कार्यरत जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, जो लाइनमैन हैं, वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो अपनी जान को दांव में लगाकर ये जिंदगी जीते हैं, और ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए, कभी ऐसी अनहोनी हो जाए कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े, तो ऐसे में उस परिवार का क्या होगा जो उसके साथ, जो उसके लिए, जो हम कह सकते हैं कि जब तक वो इंसान है तब तक जो है उसका परिवार था, लेकिन जब वो इंसान ही नहीं रहेगा तो वो परिवार कहाँ जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, और रिस्क अलाउंसेस जो ना केवल अग्निशमन विभाग, बहुत से ऐसे विभाग हैं जो ऐसे रिस्क में काम कर रहे हैं, उनको जो है वो रिस्क अलाउंसेस जो है वो जरूर देना चाहिए, और आने वाले समय में अगर कोई उनका परिवार है उन्हें सरकारी नौकरी जो है वो जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बातें तो सभी करते हैं, बातें सभी करते हैं लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग होती है। सर मैं एक जो है चलते चलते, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, दूसरा चलते चलते बहुत से यूथ होंगे जो इस युवा जो होंगे वो इस लाइन में आना चाहते होंगे, तो सर थोड़ी सी जानकारी जो है मैं वो लेना चाहूंगी कि अगर एक युवा है उसने इस फील्ड में आना है तो किस किस तरह की ट्रेनिंग से उसे गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी पढ़ाई उसे करनी पड़ती है ताकि वो इस फील्ड में आए और इतनी महत्वपूर्ण भूमिका और इतने महत्वपूर्ण पद पर वो काम कर सके। जहाँ तक हिमाचल फायर सर्विस में एक फायरमैन से लेकर स्टेशन फायर अफसर तक एंट्री है हमारी, तो यहाँ जो फायरमैन में जो हमारी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो होमगार्ड वॉलेंटियर्स जो हैं उनमें से ही, जिन्होंने फायर कोर्स किया हो उनमें से ही हम जो है फायर सर्विस में लेते हैं फायरमैन। उसमें 50-50 है, 50 बाय बैच वाइज और 50 जो है वो डायरेक्ट जो है कमीशन फाइट करके आएंगे जी, और उनमें से ही जिन्होंने फायर कोर्स किया हो। और ऊपर की पोस्टों में हमने क्या किया हुआ है कि सब अफसर और स्टेशन अफसर में हमने डायरेक्ट जो है जो प्रमोशन का कोटा है हमारा 75-25 है, प्रमोशन 75 है बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी, और जो 25% है वो डायरेक्ट ओपन भी आ सकते हैं, वो लड़के सब फायर ऑफिसर के लिए जिन्होंने बीटेक या बीएससी किया हुआ हो उनके लिए पोस्टें जो है हम कमीशन जो है या हमीरपुर जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है वो समय समय पर करता रहता है उसकी एडवर्टाइजमेंट। तो अभी भी हाल ही में सब अफसर की तो हमारी 8 पोस्टें खाली है, जिसका नियर फ्यूचर में शायद हो जाए एडवर्टाइजमेंट हो जाए, कंडीशन वही है कि बीटेक या बीएससी हो लड़का। और खासकर जो स्टेशन फायर ऑफिसर के जो उससे ऊपर का एक पद है
स्टेशन फायर अफसर, उसके लिए दो पोस्ट खाली चली हैं। वो अभी भी आपने देखा होगा जो अभी की जो एडवर्टाइजमेंट निकली है जिसमें काफ़ी पोस्टें एडवर्टाइज की है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, तो उसमें दो पोस्टें हमारी स्टेशन अफसर की है, वो उनमें से ही भरी जाएगी जिन्होंने या तो बीई फायर किया हो, जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है नागपुर में, नो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर चलता है, वहाँ से जो बीएससी उन्होंने जो है बीई इन फायर किया हो या ग्रेड आई किया हो, उनमें से ही ये लड़कों को जो है टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही उनकी जो लिखित परीक्षा में वो क्वालिफाई कर जाएंगे, वो साक्षात्कार जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है जो उनके मार्क्स हैं सर्टिफिकेट्स के, वो जुड़ के जैसे जो भी उसमें सीनियरिटी में वरीयता में आएगा उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें दो पोस्टें निकल गई हैं हमारी और ये ही हमारा एक प्रोसेस है। ड्राइवरों का भी जो हमारा भर्ती का प्रोसेस है उसमें हम सभी के लिए ओपन भर्ती है, वो उसमें चाहे प्राइवेट का आ जाए चाहे होमगार्ड का भी हो, हमारा जो है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है उसका हैवी इनके भारी वाहन चलाने का उसका जो एक्सपीरियंस है 5 साल होना चाहिए और हिमाचल के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में उसको जो है वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। तो ये हमारे जो है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है भर्ती की। जी सर, अंतिम संदेश जो है वो हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे सर, कि आग लगने से जो है, आग लगने के कारणों से जो है वो बच सकें, और अगर आग लग जाती है तो किन नंबरों पर वो जो है वो संपर्क कर सकते हैं, और कितना जल्दी जो है वो, जितना जल्दी वो करेंगे उतना जल्दी ही जो है वो सूचना आप तक पहुंचेगी। तो सर क्या कुछ ऐसे संदेश है जो आप आम जनता से जो है वो करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल, आपके सिटी चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, जहाँ जहाँ भी आपके चैनल, जो जो भी ओनर्स, जो जो भी आपके कस्टमर्स ये देखते हैं, उन सभी के लिए मेरा यही संदेश है, सबसे पहले आप ये आग लगने के कारणों का पता लगाना चाहिए, क्योंकि इस आपको मैं सही मायने में बताऊं, ये सारे आग लगने के कारण लापरवाही है, चाहे वो घरों में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हो, चाहे LPG गैस से हुआ, चाहे वो किसी चूल्हे की आग से हुआ, या बाहर जो है किसी प्रकार के जैसे जंगलों में आग लगने से भी जो है मकानों तक पहुंच के जो है मकान भी जल के राख हुए हैं, तो ये सारा लापरवाही का है। इसलिए हमें ये सोच समझ कर ही घर का रखरखाव रखना चाहिए, या इलेक्ट्रिक जो जितनी भी हमारी वायरिंग है इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ISI मार्क हो, और जितना आप सेंक्शन लोड आपने लिया हुआ है उससे अधिक आप लोड उसमें अप्लाई ना करें, जो शॉर्ट सर्किट का कारण भी यही होता है। जैसे हम त्यौहार हैं, शादी हैं, या दशहरा दिवाली है, उसमें हम लड़ियां लगा देते हैं, या बहुत सारे उसमें जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिक सिस्टम दे देते हैं, क्योंकि मीटर हमने लिया है 5, 10 या 10-20 का, हम लोड दे देते हैं उसमें कोई 20 किलोवाट का, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उससे आग लग जाती है। नंबर दो, LPG गैस का जिनको नहीं है मालूम कि भी इसको हमें कैसे प्रयोग करना है, और इससे बहुत ज़्यादा हादसे आम जो है देखने को मिल रहे हैं। जैसे घरों में LPG है तो उसके जब भी आप प्रयोग करते हो, उसको प्रयोग करने से के बाद जो है, जैसे आप चूल्हे आप अपने किचन में गए, आपको पूरा बंद मिलना चाहिए, रेगुलेटर से बंद हो और ओवन से भी बंद हो। जब आपने ऑन करना हो, रेगुलेटर से ऑन करें, ओवन ऑन करें, तब आप लाइटर अप्लाई करें। जैसे आपका पूरा काम हो गया, उसके बाद ये ध्यान ना रखें कि भी मुझे जो है सिर्फ ओवन से बंद कर दिया और रेगुलेटर से ऑन रहा। होता क्या है कि कई बार जो है पाइप्स में क्रैक्स आ जाते हैं, और दूसरा कारण होता है कि पाइप्स में भी कई बार आटे के कण रह जाते हैं, रेड वाइट कर लेता है, उसमें पिन की तरह होल करता है, आग जो LPG गैस जो है रिसती रहती है, और सवेरे जैसे आपने स्विच ऑन ऑफ किया और एकदम आग भी लगी और धमाका भी हुआ, पूरा बहुत ज़्यादा जो उसमें डैमेज हो जाता है मकान का। इसलिए ये ध्यान रखें कि सबसे पहले सावधानी तो ये रखें कि भी प्रयोग करते बार किसी जो है आप जो है ओवन को ऑन करो, जब आपका काम पूरा हो गया ओवन से ऑफ करो और रेगुलेटर से भी ऑफ करो, फिर आपको कोई चिंता नहीं है कि भी किसी प्रकार का लीकेज या कोई हो जाए। जब आग लगने का कारण ही वही है, आपने ओवन से ऑफ किया और रेगुलेटर से ऑन है, उसी बीच में जो है पूरा LPG गैस का फ्लोर रहता है और उससे आग लगने के चांसेस। नंबर दो, जहाँ कहीं भी लीकेज हो जाए वहाँ आप एकदम क्या करते हैं लोग कि हाँ लाइट जलाओ, या रात के वक्त कभी लीकेज आपने डिटेक्ट कर दी, उसमें बहुत तीखी स्मेल आ जाती है उसमें, तो आप जो है कभी भी जब अगर लीकेज का आपको पता लग गया मेरे किचन में लीकेज हो गई और काफ़ी ज़्यादा स्मेल फैल रही है और पूरे बेडरूम तक आ गई है, आप वहाँ
स्विच ना ऑन करे ना ऑफ करे, जिस हालत में है वैसे ही रखने दे, कोई भी आर्क ऑफ स्पार्क ना दे, और तुरंत जो है कोई भी दरवाजा खोले और वहां से जो लीकेज गैस है उसको इवैक्यूएट करें और बाहर की तरफ, ताकि वो खुले हवा में जाकर के डाइल्यूट हो जाए और आग लगने के कोई चांसेस नहीं थे। आग लगती तभी है जब आप उसमें जो है कोई भी आर्क ऑफ स्पार्क अप्लाई करते हैं जहां लीकेज हुई हो। तो पाइप का ध्यान रखें, ISI मार्क हो उसको चेक करते हैं, जब कभी भी उसमें क्रैक्स आ जाए एकदम उसको बंद करते हैं। इलेक्ट्रिक जहां तक मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिक पैनल का या इलेक्ट्रिक वायरिंग का उसको चेक करते रहें, अगर आपने कहीं कराया भी हुआ कोई एक्सपर्ट इंजीनियर से इलेक्ट्रिशियन से उसको चेक करवाते रहें, किसी प्रकार का कोई आपकी वीक तो नहीं पड़ गई है वायर, आपका कोई वो नेकड़ तो नहीं हो गई है कहीं से, इंसुलेशन जैसे कोई ज़्यादा गर्म होने से इंसुलेशन तो नहीं पिघल गया है, है ना। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। और जहाँ तक घरों और उसमें चूल्हा जो जहाँ लकड़ी जलाते हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी लकड़ी का प्रयोग भी होता है, तो वहाँ जब आप आखिर जो है सुई से निकलते हैं तो उस वक्त आग को पूर्ण रूप से बुझा लें, या उसको ढक के रख दें, या पानी से जो उसके कोयले हैं अंगार है उसको अच्छे ढंग से बुझा करके ही अपने बेडरूम को जाए अपने, ये ध्यान रखें। इससे अगर आप इन सावधानियों को बरतेंगे तो आग जलने की कोई भी केस नहीं होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया DC शर्मा जी, ये तमाम जानकारियां देने के लिए, ये संदेश देने के लिए, और ताकि लोग जो है वो सावधान रहे, ये सब बातें बताने के लिए, बातें करने के लिए, अपना समय देने के लिए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज जो है हमने अग्निशमन विभाग शिमला जो केंद्र है यहाँ पर, वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितनी तैयारियां जो है वो, कभी अगर आग लग जाती है शिमला जैसे शहर में तो कितना जो है वो सतर्क है, इस बारे में हमने बात करी सब फायर ऑफिसर बालकिशन ठाकुर जी से, और साथ ही हमने जो है वो बात करी डिविजनल फायर ऑफिसर DC शर्मा जी से, और जानकारी हासिल की कि कितने सतर्क है यहाँ पर जो है वो अग्निशमन विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी। लेकिन यहाँ मैं जो है सिटी चैनल के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आने वाला जो समय है, आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों का समय है, सर्दी आने का समय है, और जब सर्दी आएगी तो आप हीटर भी जलाएंगे, आप आग भी जलाएंगे, और कहीं ना कहीं आप जो है वो लापरवाही ना बरत दें। तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगी, देखिए त्योहारों के समय भी आप लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम कह सकते हैं अभी दशहरा है या दिवाली है, दिवाली में भी आप जो है वो पटाखे का, लाइट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे में कृपया जो है वो आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और जिसे कह सकते हैं सुरक्षित रहने की भी जरूरत है। जिस तरीके से कोरोना ने जो है वो आफत मचाई हुई है, कोरोना से आप किस तरीके से सजग हैं, सावधान है, आप मास्क का उपयोग कर रहे हैं, आप सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, आप सामाजिक दूरी बनाकर रख रहे हैं, ऐसे ही आपको जो है वो आगजनी अगर कभी ना हो उसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी होगा, सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, जो सर ने बात कही है वो बात बिल्कुल जो है वो आप ध्यान में रखें, तभी जो है आप वो आगजनी जैसी घटना से बच सकते हैं, आपका परिवार बच सकता है, किसी भी अनहोनी होने से जो है वो बचा जा सकता है। तो बिल्कुल ये तमाम जानकारी आपने हासिल की है गुड मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में, आप हमें देख रहे थे सिटी चैनल के सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 101 पर, हमारे फेसबुक पेज पर जिसका नाम है सिटी रिपोर्ट हिमाचल, आप हमें देख रहे थे हमारे फेसबुक अकाउंट पर, यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर। तो दर्शकों एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा मीडिया है जो 30 सालों से आम जनता तक सही व सटीक खबरें पहुंचाता रहता है, और साथ ही हमारा एक ऐसा चैनल है जो एक टाइम में आपको सोशल मीडिया के लगभग 5 प्लेटफॉर्म में ये तमाम जानकारियां जो है वो देता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जुड़े रहना है सिटी चैनल के साथ। तो आज के लिए फिलहाल मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी, मुझे यानी कि आरती शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।